मोदी जी गिर गए, मोदी जी फिर से गिर गए। जैसे जैसे वोट गिरता जा रहा है ना, जैसे जैसे वोट गिरता जा रहा है वैसे वैसे मोदी जी भी गिरते जा रहे हैं। और इसके लिए ना भाई साहब ही कांग्रेस का सहजादा जो है ना, ये राहुल गांधी, जो राहुल गांधी जिम्मेदार है, ये जो इंडी गठबंधन है, ये जो सब, और आप लोग भी जिम्मेदार हो। आप लोग जो इंडी गठबंधन, ये जो कांग्रेस का गारंटी है ना, न्याय पत्र 25 गारंटी जो है, इसके लालच में आके आप लोग जो कांग्रेस के सहजादा, कोई कांग्रेसी अखिलेश यादव, तेजस्वी, ममता बानो बानो जो है, इन लोग को जो केजरीवाल पेजरीवाल जो है, इन लोग को जो वोट कर रहे हो ना, वोट डाल रहे हो, इसके वजह से मोदी जी गिर रहे हैं भाई साहब, और गिरते जा रहे हैं भाई साहब डेली के डेली। जैसे जैसे ही वोटिंग, 3 चरण का वोटिंग हुए ना, पहले चरण के वोटिंग के बाद उसके बाद गिर गए, फिर दूसरा चरण का वोटिंग हुआ उसके बाद और गिर गए, फिर और अभी तीसरे चरण का वोटिंग हुआ इसके बाद और गिर गए। देखे नहीं थे भाई साहब, पहले क्या बोला था हमरा से, पहले बोला था कांग्रेस वाला जो है आपका, हमरे माँ बहन का जो है, माता बहन का मंगल सूत्र छीन के ले जाएंगे, और फिर उसके बाद और गिर गए भाई साहब। उसके बाद क्या बोला, ये कांग्रेस वाले जो है आप लोग के 4 मकान में से दो मकान छीन के ले जाएंगे, और उसके बाद भैंसिया, उसके बाद क्या बोला, ये कांग्रेस वाले जो हैं आपके दो भैंसिया में से एक भैंसिया छीन के ले जाएंगे, और अब क्या बोला कल, आपके आपके दुईठो साइकिल में से, अगर आपके पास दुईठो साइकिल है ना, तो उसमें से एक साइकिल कांग्रेस वाले छीन के ले जाएंगे। और अब भाई साहब, अब हमारा शेर भाई साहब कच्छा को बोलेगा, कांग्रेस वाले जो आपके 2 कच्छा में से एक कच्चा छीन के ले जाएंगे। भाई साहब ऐसा गिरता जा रहा है हमरा से डेली के डेली, जैसे जैसे वोट गिर रहा है भाई साहब, ऐसा गिरता नहीं, वैसे नहीं गिर रहा, कहा समझ लेता है लोग, वैल्यू में गिर रहा है, वैल्यू में गिरता जा रहा है हमरा से, कीमत में गिर रहा है। कहा कि मंगल सूत्र जो है वो सबसे महंगा होता है, तो सबसे पहले हमरा शेर मंगल सूत्र का डर दिखाया, मंगल सूत्र छीन के ले जाएंगे, और कमरे का वैल्यू जो है मंगल सूत्र से कम होता है, होता है नहीं, इसलिए फिर मंगल सूत्र के बाद कमरे का, कमरा छीन के ले जाएंगे, उसका डर दिखाया हमरा शेर। और भैंस का वैल्यू जो है वो कमरे से कम होता है, इसलिए कमरे के बाद जो है भैंस का डर दिखाया, भैंस का बताया, भैंस को छीन के ले जाएंगे, और भैंस से कम वैल्यू जो है वो साइकिल का होता है, इसलिए भैंस के बाद हमरा शेर जो है साइकिल का डर दिखाया कि साइकिल को छीन के ले जाएगा इंडी गठबंधन, ही राहुल जो कांग्रेस का सहजादा है, और साइकिल से कम वैल्यू जो है वो कच्छा का होता है, तो अब हमरा शेर कच्छा का डर दिखाएगा कि कांग्रेस का सहजादा जो है दुईटो कच्छा में से एक कच्छा छीन के ले जाएगा। तो जैसे जैसे वोट गिर रहा है ना देश में, वैसे वैसे ही हमरा शेर भी गिरता जा रहा है वैल्यू में गिर रहा है, पहले मंगल सूत्र, फिर कमरा, फिर भैंस, फिर साइकिल, और अब कच्छा पे आएगा। कहा कि कच्छा का वैल्यू जो साइकिल से कम होता है ना, वो भाई साहब आप लोग ही जो सब हमरा से जो डर दिखाया ना, मतलब जो जो बात बोला है वो सब जो एक संग में देख लो भाई साहब, बैक टू बैक हमरा से जो जो बोल रहा है, हमरा से जो बोट के संग संग जो गिर रहा है डेली के डेली, देख लो वीडियो। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे, कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। अंत में छोकरा ने, संतानों ने 10 एकर आप इन जवा मांगो छो, तो तमारा 5 एकर सरकार मांगे, 5 एकर रहा, आ कायदो लावाना चाहिए। तुम्हारे पास 2 भैंस हो तो 1 भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, 1 तुम्हारे छोकरा ने अपाई नहीं, केम तो हमारे 1 भैंस हमारी वोट बैंक में अपाई। अगर 2 साइकिल है तो 1 गई। देख लिए भाई साहब कैसे गिरता जा रहा है वोट के संग संग, जैसे जैसे वोट गिर रहा है। और भाई साहब इस सब का जिम्मेदार जो ना ये राहुल गांधी कांग्रेस का सहजादा जाओ, ये जो ये गारंटी दे रहा है ना, ये कौन कौन सा न्याय पत्र, जो लालच दे रहा है, भ्रमित कर रहा है जो युवा लोग को, सब महिला लोग को, भाई साहब 1 लाख रुपया का अप्रेंटिस देने का बोल रहा है कहीं महिला को, 1 लाख रुपया गरीब महिला को, कहीं भाई साहब 30 लाख जॉब देने का बात बोल रहा है, कहीं MSP देने का बात बोल रहा है किसान को, जिसके लालच में आ गई सब लोग, आप सब लोग भी जो ही कांग्रेस को, कांग्रेस के सहजादा को वोट डाल रहे हो, इंडी गठबंधन वाले लोग को।
भाई साहब गिनने के संग संग भाई साहब मानसिक हालत देख रहे हैं अपना शेर का कैसा होता जा रहा है भाई साहब। जैसे जैसे बोर्ड पड़ रहा है, तीन राउंड का जो बोर्ड, इकल का जो बोटिंग आया है भाई साहब, ऐसा 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 बात बोल रहा है भाई साहब, मानसिक जो हालत है ना वो भी गिरता जा रहा है भाई साहब। जैसे वो होते हैं ना ऑड इवन, जैसे वो केजरीवाल चलाया था हमारे दिल्ली में, हमारे शेर का भी ऑड इवन ही चल रहा है मुसलमान लोग के संग। एक दिन मुसलमान लोग से नफरत और उसके अगले दिन मोहब्बत, ऑड इवन चल रहा है ऐसा। एक दिन तो मुसलमान लोग को घुसपैठ या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, हिंदू का संपत्ति छीनने वाला ऐसा बोल देता है, और उसके अगले दिन ही भाई भाई मोहम्मद समी, भाई मोहम्मद समी डंका बजा दिया दुनिया में हमारा भाई मोहम्मद समी, और उसके अगले दिन फिर से उन नफरत का बात, और फिर उसके अगले ही दिन फिर से मुसलमान लोग का वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कितना महान रहे कितना, और फिर उसके अगले ही दिन फिर से कांग्रेस जो है मुसलमान लोग को धर्म के आधार पर क्रिकेट टीम में ले लेगी, मुसलमान लोग कैसे वोटिंग जिहाद हो रहे हैं, मुसलमान वोटिंग जिहाद कर रहा हूँ। तो मतलब ऑड इवन चल रहा है। एक दिन वो नीम और करेले का चटनी चाट के, और फिर उसके अगले दिन शहद चाट के बोलता है हमारा शेर मुसलमान लोग के लिए, बैक टू बैक एक संग में देख लो सब जो हमारे शेर का मानसिक हालत हो रहे हैं, जो जैसा जैसा बात बोल रहा है हमारा शेर मुसलमान लोग से कैसा ऑड इवन चला रखा है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस शर्त इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं जो ऐसा हालत हो रहे हैं हमारे शेर का वो कम नींद लेने के वजह से हो रहे हैं। जब आदमी कम सोता है ना तो पता नहीं रहता कहाँ बोल रहा है, मतलब कहाँ मुँह से निकल रहे हैं, मतलब वो डॉक्टर भी ऐसा ही बोलते हैं। जिन लोग का नींद कम होता है ना, जो कम सोते हैं, जो दो चार घंटा ही सोते हैं, तो उन लोग में बहुत ज़्यादा विकार आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो दिमाग में वो गड़बड़ हो जाते हैं, उन लोग का बहुत तबीयत खराब हो जाते हैं। फिर वो आदमी को जो पता नहीं रहते वो कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, दुनिया में कहाँ हो रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, कुछ भी बहुत उल्टा उल्टा बहुत वैसे साइड इफेक्ट होते हैं, माइंड पे बहुत ज़्यादा उल्टा असर पड़ते हैं ये डॉक्टर लोग। भाट साहब राजेश के हैं भाई साहब, ऐसी तैसी हो, रुक जाओ एक मिनट, ये का और बता नहीं सकते भाई साहब, अब का बोल रहे हैं हमरा से, वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब, ये तो जैसे जैसे वोट गिर रहा है ना भाई साहब।